हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। इस वीडियो में हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे 2021 के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स 2021 में 12th पास करेंगे उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, जिसमें आप मुंबई यूनिवर्सिटी में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 2021 में ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है, यानी यूजी और पीजी दोनों के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया है मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड। देखिए, बात सिर्फ आज की नहीं है, सब्सक्राइब करने का रीज़न आपके पास ये है कि मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप अगले 3 साल आप कोर्स करेंगे, अगले 4 साल आप कोर्स करेंगे, अगले 2 साल आप कोर्स करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे आपके 3 साल के कोर्स में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, 6 एडमिट कार्ड, 6 रिजल्ट, 6 आपके नए प्रोफेसर कौन आ रहे हैं, नए डीन कौन आ रहे हैं, इन यूनिवर्सिटी की नई अनाउंसमेंट क्या है, आपके एचओडी ने क्या बोला है, आपके एनुअल डे कब होने वाले हैं, आपके टेक्निकल फेस्ट कब होने वाले हैं, आपके कल्चरल इवेंट्स कब होने वाले हैं, आपकी नई चीज़ें क्या होने वाली हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी प्लेसमेंट्स कब होने वाली हैं, आपके इंडस्ट्रियल विजिट्स कब होने वाली हैं, आप पिकनिक के लिए कब जाने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है। तो मेक श्योर करें कि आप इंडियन एडवांस स्टडीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स गलत तरीके से चेक करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आपको सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, यही आपका मकसद है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे चेक करना है, क्या प्रोसेस है एडमिशन का, बड़ी आसानी से आप एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 और उसके आगे एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखना है जिसका नाम है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सिर्फ और सिर्फ IAS पेपर पे आती है। तो मेक श्योर करेंगे आप IAS पेपर लिखेंगे ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे नहीं चेक कर पाएंगे सही इन्फॉर्मेशन। सही तरीके से लिखना है, यही आपका मकसद। तो सबसे पहले आप इसे सर्च करेंगे, जैसे आप गूगल सर्च परफॉर्म करेंगे नए टैब में जाएंगे, मैंने सर्च किया है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020 एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ IAS पेपर। दो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, यहाँ पे आपको दिखी रही है और यहाँ पे आपको IAS पेपर दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे। ऑल राइट, तो मैं इस पेज को जूम कर देता हूँ 150%, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आप और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020 एप्लीकेशन डेट्स एलिजिबिलिटी मेरिट लिस्ट, यानी आपको एप्लीकेशन डेट्स एलिजिबिलिटी मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, हर एक चीज़ की जानकारी सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी 2020 का जो एप्लीकेशन है वो एडमिशन प्रोसेस ऑर्गेनाइज किया जाएगा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर लेवल कोर्सेज के अंदर के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा। ओके, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सामने आपके फॉर्म है आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दें, अपना फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से हैं। एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र पे क्लिक करूँगा, आप कहीं और कर सकते हैं, महाराष्ट्र के कहाँ के हैं तो मैं महाराष्ट्र के एग्जांपल के तौर पे मुंबई में रहता हूँ। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं तो भी आपको यही लिखना पड़ेगा। अगर मेरी बात करें तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, बिजली पानी सुख सुविधाओं का, इंटरनेट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सारी चीज़ों का बहुत अभाव है। इतनी सारी परेशानियाँ होने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस दे सकूँ। कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिस्टेंस लर्निंग, MBA, BBA, BCA, MCA, फैशन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया एंड फिल्म्स, जर्नलिज्म, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, लॉ, साइंस में BSc, MSc, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, मेडिसिन, हेल्थ केयर, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटलिटी, एविएशन एंड फैशन डिजाइन, किसी में भी इंटरेस्टेड है आप, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ BCOM। ओके, तो अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी, आप उस पर क्लिक करें। अगर मेरी एग्जाम्पल के तौर पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th है तो 12th पर क्लिक करके गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना। उसके बाद क्या होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगी आपको ईमेल और SMS के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहेंगे आपके SMS में, आपके इनबॉक्स में। उसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है इस फॉर्म को भरना, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, पर जो परसीव वैल्यू मिलती है वो इंपॉर्टेंट। परसीव वैल्यू मतलब आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन। जहाँ पे क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन ये तीनों होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, सौहार्द, विवेक, विमर्श, विचार, आदर्श और रिसर्च से डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें कहाँ पर एडमिशन लेना है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप ये फॉर्म भर दीजिए, जिससे आपको फ्री में अलग अलग अपडेट्स मुंबई यूनिवर्सिटी की मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज ऑफर करती है, जिसमें इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट, आर्ट्स, लॉ, सारे के सारे कोर्सेज हैं। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, मतलब MBA का इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको आइदर, देखिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग और फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको MHCET देना पड़ता है। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे चेक कर लीजिए, इस पेज का भी लिंक है, और इस पेज को बुकमार्क कर लीजिए, इसे फ्यूचर में आप यूज़ करते रहेंगे। अगर आप लॉ करना चाहते हैं किसी लॉ कॉलेज में मुंबई यूनिवर्सिटी के, तो MH Law CET देना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप
अपनी अलग अलग चीज़ें जैसे हैं, एक मुंबई यूनिवर्सिटी का अंदर कैंपस के अंदर करना चाहते हो तो MU CLAT करके होता है, उसे आप देख सकते हैं। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर करना चाहते हो तो MUCMET होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी कॉमन मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है मुंबई यूनिवर्सिटी के, एक कॉमन फॉर्म है, सॉरी एक कॉमन फॉर्म है जिसे भरना पड़ता है आपको। एंड देन वो फॉर्म भरने के बाद आप उस किसी कॉलेज को पर्टिकुलरली जाके अप्लाई करना पड़ता है उस फॉर्म भरने के बाद, उसे सुविधा ई टिकट बोला जाता है। ऑलराइट, तो एडमिशन है जो कम्प्लीटली बेस्ड होता है मेरिट बेसिस पे, यानी आपके जो 12th में मार्क्स आते हैं उसके परसेंटेज के ऊपर आधारित होता है कि आपको एडमिशन कहाँ पे मिलेगा, तो इसके ऊपर मेरिट बेस्ड मेरिट निकलती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कोर्सेज ऑफर्ड की, तो यहाँ पे टोटल जो कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं यहाँ पे BA, BTEC, BDS, MD, BMS, MBBS, BR, BCOM, DM और BE, मेनी अदर कोर्सेज जैसे पोस्ट ग्रेजुएट में MA, MTech, ME, MCA, MEd, LLM, MR, MCOM, MFM, MPharm और बहुत सारे कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात कर लें तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन की जो है UG PG लेवल है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल बोल सकते हैं आप। कोर्सेज ऑफर्ड इसमें UG PG के कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से कंडक्टिंग बॉडी है। एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, एग्जामिनेशन अगर बात करें तो ऑफलाइन होती है इसकी। एडमिशन के बारे में बात कर ले तो मुंबई यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है यूजुअली 4th वीक ऑफ मई में स्टार्ट हो जाता है, 2021 में स्टार्ट होगा, लास्ट डेट इसकी 2nd वीक ऑफ जून 2021 है। प्री एडमिशन एनरोलमेंट जो है फॉर्म आता है वो 1st से लेकर 2nd वीक ऑफ जून 2021 में, सबमिशन जो है एनरोलमेंट फॉर्म का 2nd वीक ऑफ जून 2021 में करना पड़ता है, मेरिट लिस्ट जो है वो 4th वीक ऑफ जून 2021 में आएगी। तो इस तरह से आपको सारे प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुंबई यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरेंगे तो एक्सेप्ट होगा, गलत भरेंगे तो रिजेक्ट होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के वक्त आपको कुछ डिटेल्स लिखनी पड़ेगी, जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है 4th वीक ऑफ मई से लेके 2021 से 2nd वीक ऑफ जून 2021 तक भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए जो भी डिटेल्स आप लिख रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक और करेक्ट होना चाहिए, गलत लिखेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन करेक्शन का मौका नहीं मिलता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जिसे आप फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे, उस पर आपके कम्युनिकेशन किए जाते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा। आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ता है जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हो, सिग्नेचर और फोटोग्राफ आपका रिसेंट होना चाहिए, मतलब एक महीना या तीन हफ्ते पहले का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, डोमिसाइल है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ आपको बताना पड़ेगा, आपने 10th पास कहाँ से किया, आपने 12th पास कहाँ से किया, आपने 10th कौन से बोर्ड से पास किया है, आपने 12th कौन से बोर्ड से पास किया, आपने 10th कौन से ईयर में पास किया, आपने 12th कौन से ईयर में पास किया है, आपने 10th कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आपने पास किया, 12th कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आपने पास किया, 10th कौन से स्कूल से, 12th कौन से कॉलेज या स्कूल से आपने पास किया, तो ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर निकाल लेना है जिसे आपको फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे सुविधा टिकट नंबर जनरेट करना पड़ता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे नंबर जनरेट हो जाएगा फिर हर कॉलेज की मेरिट लिस्ट निकलती है, आपको पर्टिकुलरली कॉलेज जिस कॉलेज में चाहिए वहाँ का फॉर्म भरना पड़ता है, 100-200 रुपये फॉर्म भरने पड़ते हैं। एंड देन अगर आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में देन यू विल बी अलॉटेड फॉर द प्रोविजनल लिस्ट। ओके, तो प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको कंफर्म करना पड़ता है एडमिशन वहां जाके, वहां मतलब वेबसाइट पे जाके पेमेंट करना पड़ता है। इस साल यानी 2020 में अगर बात करें तो ऐसा ही प्रोसेस था, बिकॉज आप सबको मालूम है COVID-19 सिचुएशन की वजह से सारी की सारी चीज़ें डिले हुई और कॉलेज में स्टूडेंट्स जा नहीं सकते, मे बी देर आर मेनी पीपल हु आर इन देयर नेटिव्स एंड दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीच द कॉलेज एंड दैट इज द रीजन दे हैव अलॉटेड द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एंड द फीस कन्फर्मेशन ऑल दोज थिंग्स। सो मोस्ट ऑफ द कॉलेज हैज इंप्लीमेंटेड दिस थिंग्स ऑलराइट। तो बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, बात कर लिया फीस का, कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना है। फीस की बात करें तो फीस जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी की जो कॉलेज की फीस होती है वो डिफर करती है, एप्लीकेशन की फीस कुछ नहीं है, 100 रुपये एप्लीकेशन की फीस भी लगती है कभी कभी, तो 100 रुपये आपको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं कन्फर्मेशन पेज का, और 100 रुपये का जो है आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ करके कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए दो चीज़ें हैं, एक अगर यूजी कोर्स के लिए जा रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी जो है साइंस कोर्सेज के लिए आपके पास 12th, अगर आप BSc करना चाहते हैं, साइंस कोर्स चाहते हैं, 12th पास होना चाहिए आपको साइंस बैकग्राउंड से किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, कोई भी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, गोवा बोर्ड, आंध्र प्रदेश बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड चलेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM, PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके डिपेंड ऊपर करता है। यहाँ पे 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, मेडिकल अपीयरिंग, जो स्टूडेंट 12th में हैं अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर यूजुअली आ जाता है। नेशनल स्कोर, नेशनल लेवल स्कोर कार्ड भी अवेलेबल होता है, यानी JEE मेन, नीट वगैरह का स्कोर का वैलिड होता है। PG कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आर्ट्स एंड कोर्सेज के लिए आपके पास वैलिड बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी कोर्स के लिए रिवेलेंट फील्ड में। साइंस स्टूडेंट हैं तो अगर आप MSc में चाहते हो तो आपके पास साइंस डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 12th
आप बोर्ड से करते हैं, यूजी आप जो है वो यूनिवर्सिटी से करते हैं, नेशनल लेवल स्कोर कार्ड एक्सेप्ट होता है। एडमिशन का प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है, एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि देश के टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके इस पेज में आके यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आपको 5-8 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं बैनर्जी यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और शारदा यूनिवर्सिटी। इन सारी यूनिवर्सिटी में जी डी गोयनका यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके आपको एडमिशन लेना चाहिए। यहाँ पे 5 खासियत है यूनिवर्सिटीज़ की। 100% प्लेसमेंट मिलता है आपको, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलती है, टेक्निकल नॉलेज मिलता है और उसके बाद आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मुंबई के किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ के बच्चे आएंगे? उसी एरिया के आएंगे, मुंबई के आएंगे या फिर कुछ आजू बाजू के आएंगे? इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, यहाँ पे पूरे देश के बच्चे आते हैं, देश के हर राज्यों से बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। और सिर्फ देश के नहीं, दूसरे कंट्रीज से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये हाईली सुटेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके लिए, क्योंकि आपको प्लेसमेंट भी चाहिए, जॉब भी चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके किसी न किसी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। रीज़न है उसका क्योंकि आप जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं देगा, यू विल बी ऑफ नो यूज़। सो आई विल बी बेटर प्रेफरिंग दिस। एंड आपके यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो आपको दूसरे देशों के बच्चों से जब आपका मिलना जुलना होता है, लड़के लड़कियाँ सब एक साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्वालिटी एक्सचेंज होती है, टैलेंट एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, कल्चर एक्सचेंज होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँ कि आप ये फॉर्म भर लीजिए डिस्क्रिप्शन में। और मेरे को मुझे लगता है कि आपको, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो डेफिनेटली मैं लेता, आपको भी लेना ही चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर बात कर रहे थे एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस में चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना पड़ता है। अगर आप किसी जनरल कॉलेज में जाते हैं एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से, तो आपको जो है एडमिशन प्रोसेस जो है पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एंड देन यू विल बी एबल टू फिल द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज। एंट्रेंस एग्जामिनेशन MU MCET और MULCET ये सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए होता है। 50 MCQs क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट जिसे हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक्स होते हैं वो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट जो है वो मेरिट बेसिस पे आता है, यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलरली कॉलेज की वेबसाइट पे आता है। तो जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनके पर्टिकुलर प्रेफरेंस और उनके मार्क्स के ऊपर जो है मेरिट निकलती है, मेरिट लिस्ट आपको ऑनलाइन चेक करना है। जिन भी स्टूडेंट का नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आता है उनको बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। तो वहाँ पे जाके आपको एडमिशन कन्फर्म करना होता है, एंड देन आपको एडमिशन कन्फर्म करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो इस तरह से आपको करना है। काउंसलिंग के वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, आपकी सारी चीज़ें जो आपने फॉर्म में भरी थी वो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं या नहीं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। एंड देन लेटर स्टेज में आपका एप्लीकेशन जो है, अगर सब कुछ सही पाया गया देन एडमिशन होगा, एंड देन आप 3 साल 4 साल या 5 साल जब भी आप कोर्स कर रहे हो कंप्लीट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जब वेरीफाई होगा उस टाइम आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th और 12th का मार्कशीट, 10th और 12th का LC वगैरह है, इनकम सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह अगर आप PG के लिए जा रहे हैं तो आपको लेके जाना पड़ेगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज ले लेता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपको 2 जेरॉक्स के सेट लेके जाने हैं अटेस्टेड किए हुए। उसके बाद कॉलेज जब वो ले लेंगे तो आपको एक रिसिप्ट देंगे जिसमें लिखा रहे कि आपने क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे भरना है, और वहाँ पे आपको मिलेगा कि आपने इन चीज़ों को दिया है। तो आप चेकलिस्ट पे सारी चीज़ें चेक कर लीजिए कि जितनी भी आपने चीज़ें दी हैं वो जितनी चीज़ें आपको आपने जो दी हैं वो कॉलेज ने लिया है उतना ही चीज़ लिखा है या नहीं। कोई चीज़ अगर कम लिखा है आपने, यानी आपने 10th की मार्कशीट दी है वहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है, देन यू विल बी नॉट एबल टू गेट सेकेंड ईयर में। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मिलते हैं आपको तो आप नहीं ले पाएंगे। चीज़ और इंपॉर्टेंट है, नाम वगैरह सब कुछ सही भरिएगा, फॉर्म गलत भर देते हैं स्टूडेंट्स, मेरे कई स्टूडेंट्स ने गलती से फॉर्म भर दिया, मदर का नाम नहीं लिखते हैं कॉलेज वाले नहीं लिखते हैं सही से और आपको गलतियाँ हो जाती हैं। तो वेरी कॉन्शियस रहेगा आपका नाम, रोल नंबर वगैरह जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और नाम वगैरह, फादर का नाम, मदर का नाम, गलती करेंगे आपको दौड़ाएंगे, यूनिवर्सिटी भेजेंगे फालतू में। ओके, तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसे मैं फ्यूचर में आपको बताते रहूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको थोड़ी भी वैल्यू दी तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।